पिता की सीख। इस कहानी में बताया गया है कि जो बालक अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पाठ में एक ऐसे ही बालक की कहानी है, आइए पढ़कर देखें। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक ही लड़का था जिसका नाम किशन था। किशन बहुत वीर था और सभी प्रकार के युद्ध विद्याओं में पारंगत था। किशन वीरता के कार्य करना चाहता था, परंतु उसे इसके लिए कभी मौका नहीं मिलता था। उसने एक दिन अपने पिता से इच्छा व्यक्त की कि वह बाहर घूमने जाना चाहता है। पिता ने उसे घूमने जाने की आज्ञा दे दी। पर्यटन में जाने से पूर्व उसके पिता ने किशन को बुलाया और कहा, तुम्हें पर्यटन में 3 खास बातों पर ध्यान देना होगा। कभी भी अकेले यात्रा पर नहीं जाओ। जहाँ पर विश्राम करो उस जगह को ध्यान से याद कर लो। अपने देश के जंगलों में भालू बहुत हैं, उनका सामना कभी न करना। यदि भालू दिखाई दे तो चुपचाप सांस रोककर जमीन पर लेट जाना, क्योंकि भालू ऐसे लोगों को कभी नहीं छेड़ता है। पिता की सीख लेकर किशन पर्यटन पर रवाना हो गया। उसकी देखभाल के लिए पिता ने 2 आदमी साथ में कर दिए, परंतु वह अकेले पर्यटन करना चाहता था, अतः किशन उन दोनों को चकमा देकर भाग गया। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में वह थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा होगा कि सामने से एक शेर गरजता हुआ उस पर कूद पड़ा। किशन को अपनी वीरता दिखाने के लिए पहली बार मौका मिला था। उसने वीरता के साथ कटार निकाली और शेर से भिड़ गया। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में उसने शेर को मार गिराया। शेर को मारने के बाद उसने सोचा, मैं ऐसे ही सभी खतरों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह वहाँ से उठकर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही उसने कटार निकालने के लिए जैसे ही कमर पर हाथ बढ़ाया, उसे म्यान में कटार न मिली। वह कटार वहीं पर भूल गया था जहाँ उसने विश्राम किया था, परंतु उसे अब वह जगह याद नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसे 2 भालू अपनी ओर आते दिखाई दिए। उसे अपने पिता की दी हुई सीख याद आ गई। भालू के दिखाई देने पर सांस रोककर लेट जाना। वह वहीं सांस रोककर लेट गया। भालू वहां से उसे बिना कुछ हानि पहुंचाए अपने रास्ते चले गए। भालुओं के जाते ही किशन उठा और अपनी कटार ढूंढने के लिए उस जगह पहुंचा जहां उसने विश्राम किया था। उसे वह जगह ढूंढने नहीं मिली और नहीं कटार मिली। वो बिना कटार के जंगल में और आगे जाने का ख्याल छोड़कर वापस लौटने लगा। कड़ी दोपहर में किशन को भूख प्यास सताने लगी। उसे निकट ही एक बड़ा बगीचा और एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर देखते ही उसे नहाने की इच्छा हुई। वह कपड़े उतार कर नहाने लगा। नहाने के बाद जब वह लौट कर किनारे आया तो देखा कि कपड़े नहीं है। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पेड़ के ऊपर नजर दौड़ाई तो उसे पेड़ पर बंदर दिखाई दिए। बंदरों के पास उसके कपड़े थे और वे कपड़ों को दांतों से नोच रहे थे। उसने सोचा, पिताजी ने ठीक ही कहा था कि सफर में अकेले नहीं चलना चाहिए। यदि साथ में कोई होता तो ऐसा न होता। कपड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने बंदरों पर पत्थर फेंके तो उसके जवाब में बंदरों ने उस पर कपड़े फेंके। कपड़े तो किशन को वापस मिल गए, परंतु वे फट गए थे। उसे मजबूरी में ही फटे कपड़े पहनने पड़े। फटे कपड़े पहनकर वह घर वापस आ गया और उसने अपने पिता से पर्यटन में हुई मुश्किलों को बताया और पिता द्वारा बताई गई बातों को न मानने पर उत्पन्न हुई परेशानियों को बताया और माफी मांगी। पिता ने किशन से कहा, तुम्हें मेरी बातों का अनुभव हुआ और इन अनुभव